यहाँ पे देख सकते हैं जो रेता में खेती किए हुआ है जो नदी के अंदर जो गड्ढा बना बना करो इसी के अंदर बीज को वो देते हैं और बीज जो जम जाता है। तो यहाँ पे पूरी पूरे लेक की तरह दिखेगा, बिल्कुल देखने में एक लेक की तरह लगेगा। यहाँ पे दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी पानी या फिर कोई भी घर नहीं आपको दिखेगा। तो है गाइस, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ पर, आज आप लोग को दिखाऊंगा। तभी हम लोग अपने गांव के पास आज निकलेंगे और आज नहान का बिजनेस सोचा आप लोग के लिए ब्लॉग बनाकर दिखा दूँ। तो चलिए चलते हैं, पर आज आप लोग को आज नदी का सैर कराऊंगा। तो वीडियो को हमारा बने रहिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग पर आज जो नदी वाला रोड है और हम लोग आ चुके हैं वहाँ पे। तो अभी देख सकते हैं हम लोग जो बराज नदी के किनारे पर आ गया है और ये पीछे दिख रहा है, पीछे मंदिर है बराज का। और हम लोग नदी में जो उतर रहे हैं अभी, पूरा नदी आप लोग को पीछे वाला बैक कैमरा से दिखा रहा है। तो ये जो पीछे का जो दृश्य है वो मंदिर का दृश्य है, पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा। यही लोग पूजा जो करने आते हैं और जो चढ़ाते हैं प्रसाद वसाद। और ये जो पीछे का दृश्य है अभी देख सकते हैं जो कि नदी पूरी तरह से यहाँ पे सूख चुकी है और बहुत ही अंदर जा चुकी है, मतलब एक दो किलोमीटर अंदर की तरफ जा चुकी है। तो हम लोग जाके दिखाएंगे आप लोगों को कितनी अंदर तक गई है और कुछ इस तरह का दृश्य अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। अभी आप लोगों को दूर दूर तक कोई भी पानी नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ रेता दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो रेता में खेती किए हुए हैं जो नदी के अंदर, और यहाँ पे जो बीज बोए हुए हैं और बालू निकाल निकाल कर रखे हुए हैं किस तरह यहाँ से किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे खेती हुई है और वो भाई साहब कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो कि रेता में खेती होता है जो गड्ढा बना बना करो इसी के अंदर बीज को वो देते हैं और बीज जो जम जाता है, जैसे कि जो तरबूज हो गया फिर सब्जी वब्जी हो गया तो इसी में उगाते हैं। अभी समय सूखा हुआ है तो इसीलिए वहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पर भी कुछ लोग अपना जो फावड़े से बो रहे हैं सब्जी। तो दोस्तों अभी यह बिल्कुल पूरी तरह से रेता बन चुका है और चारों तरफ आपको सिर्फ रेता दिखेगा और पानी इधर नहीं दिखेगा। इसके लिए जाना पड़ेगा बहुत ही अंदर, जो कि अभी हम जा रहे हैं दिखाने के लिए और दिखाएंगे आप लोगों को। तो कम से कम अभी 1-1.5 किलोमीटर और ज़्यादा चलना पड़ेगा। अभी हम लोग बराज नदी के जो घाघरा नदी पड़ता है बराज में, तो वहीं पे है हम लोग और बहुत ही चौड़ी नदी है, करीब 2-3 किलोमीटर की एरिया मतलब ये चौड़ी है। और इधर आप लोग को सिर्फ सिर्फ चारों तरफ रेता ही रेता दिखेगा यहाँ पे, जो कि देख सकते हैं। तो अभी चलते चलते हम लोग आ गए हैं जो नदी के पास और नदी आप लोग को पीछे की तरफ दिख रही होगी। तो अभी कम से कम हम लोग को 1.5 किलोमीटर चलना होगा तब जाके हम लोग नदी के पास पहुंच पाएंगे। तो चलते हैं फिर नदी किनारे और वीडियो हमारे बने रहे। तो देख सकते हैं अभी हम लोग जो मिट्टी वाले जगह पर आ गए हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी मिट्टी है लेकिन इसके अंदर भी रेता पड़ा हुआ है, लेकिन अभी ऊपर काफ़ी थोड़ा यहाँ पे मिट्टी है। यहाँ पे मैं थोड़ा और पास दिखा देता हूँ और अभी आप लोग को इसी टाइप दिखेगा जो दृश्य है। और आगे आप लोग को जो नदी है वो दिखेगा। तो नदी के हम लोग पास जा रहे हैं और कुछ ही समय में हम लोग नदी के पास होंगे। तो यहाँ पे पूरी पूरे लेक की तरह दिखेगा, बिल्कुल देखने में एक लेक की तरह लगेगा। यहाँ पे दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी पानी या फिर कोई भी घर नहीं आपको दिखेगा, बस आपको यहाँ पर रेता ही रेता दिखेगा। तो यहाँ पे काफ़ी संघर्ष करने के बाद हम लोग नदी की जो छोर है, हम लोग नदी के छोर पर आ गए हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो नदी का अभी दृश्य दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं एकदम पास में उसके। तो अभी हम लोग फाइनली नदी के जो पास आ गए हैं और आप लोग कुछ इस टाइप आपको नदी जो दिखेगा। और पीछे भी देख सकते हैं जो पुल का काम चल रहा है, अभी नदी के ऊपर पुल बन रहा है। और इधर आप लोग देख सकते हैं इधर पूरे पूरे यहाँ पे जो नदी है। और
दोस्तों आई होप आप सभी को यह छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह का ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।